नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल कहते कि भाई इन्हों के हम दो दो मुख्यमंत्री यहाँ पर वोट मांगने आए हैं, कोई बड़ा व्यक्ति दिल्ली से या देश से नहीं आया, लोगों को बाहरले लोगों की लोड़ नहीं है। और केजरीवाल साहब ये कहते होंगे कि हम वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर काम किया हों 14 महीने सरकार तो वोट मांगने की लोड़ नहीं सी, लोगों ने घरे बैठे दो दो मुख्यमंत्री आके वोट मंगने का मतलब है कि उन्होंने एक साल पंजाब का कख नहीं किया। फिर तो उन्होंने ये कहना सी कांग्रेस को वोट पाओ, उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाल के पिता ने कहा है कि मेरी बेनती है सरकार को वोट नहीं पानी और किसी पार्टी को तुसी वोट पाओ, चाहे नोटा नू पा दो यार किसी और पार्टी नू पा दो लेकिन झाड़ू नू वोट नहीं। इल्जाम तराशियां वार पलटवार वादे दावे ते इससे विचाले सूबे दियां लंबे समय दियां तराशदियां असी गल कर रहे हैं जलंधर जिमनी चोणां दी तां सियासी अखाड़ा पूरी तरह पक चुके है ते अड्डी चोटी दा जोर सारियां पार्टियां दे वल्लों जित हासिल करन दे लई लगाया जा रहा है। जिवें मैं जिक्र कीता है कि इल्जामां दी साडे नाल गलबात करन दे लई कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग मौजूद ने, सब तो पहला स्वागत है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਦੋ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ दिल्ली से या देश से नहीं आया, लोगों को बाहरले लोगों की लोड़ नहीं है, साडे भी डिप्टी मुख्यमंत्री साहब इतने तुरे फिरते हैं, असी किसी लीडर को भी सद सकते हैं, लेकिन अज जनता को लोड़ है जिहड़े स्थिर इतने लीडर रहना है उन्हां दी ज़्यादा जरूरत है। और केजरीवाल साहब ये कहते होंगे कि हम वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर काम किया हों 14 महीने सरकार तो वोट मंगने की लोड़ नहीं सी, लोगों ने घरे बैठे दो दो मुख्यमंत्री आके वोट मंगने का मतलब है कि उन्होंने एक साल पंजाब का कख नहीं किया, इस करके वो कर कर जाके वोट मंगन। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का आना कितना असर पाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा रहा कि कांग्रेस के वालों ये सब कुछ किया जा। फिर तो उन्होंने ये कहना सी कांग्रेस को वोट पाओ, उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि मेरी बेनती है सरकार को वोट नहीं पानी होर किसी पार्टी को तुसी वोट पाओ, इहदा मतलब कोई ये सुनिया थोड़ी भी कांग्रेस पार्टी को उल्टा, साड़ी कांग्रेस पार्टी नाल उन्हां दा संबंध सी, लेकिन उन्होंने पार्टीबाजी तो उपर उठ के ये गल किया कि चाहे नोटा नूं पा दिओ यार किसी होर पार्टी नूं पा दिओ लेकिन झाड़ू नूं वोट नहीं पाउणी। आखिरी सवाल, किहड़े इक मुद्दे ते लगदा है कि तुसी वाकई कांग्रेस जिहड़ी है इक वड्डे मार्जन दे नाल? मैनूं लगदा है कि वादे तां बहुत सारे कीते सन, लेकिन उन्हां सारिआं नूं भी अगर छड्ड दईए तां लॉ एंड ऑर्डर दी जिहड़ी स्थिति है पंजाब दे विच अज त्यों दी त्यों बरकरार है, बहुत माड़ा हाल है पंजाब दे। लोग दोबारा फिर 40 सालां बाद CRPF ते BSF वेखण नूं मिल गई, दोबारा फिर सड़कां ते उही बोरियां वाले नाके ते चैक पोस्टां बन गईआं। मैनूं लगदा पंजाब दे लोकां दे विच इस गल नूं लै के बड़ी घबराहट है कि आने वाला समा साडा पंजाब दा किहो जिहा होएगा। और मैनूं लगदा सब तो वड्डा मुद्दा अज, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे है, वैसे तो कहिंदे सी इहे असीं रेवेन्यू जनरेट करांगे, 1000 रुपया देवांगे, 2500 रुपया पेंशन देंगे, ड्रग्स खत्म कर देंगे, किसान खुदकुशियां करनों बंद हो जाएगा, असीं वड्डी वड्डी इंडस्ट्री लावांगे, जलंधर जी कहा सी असीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलांगे, एयरपोर्ट बनावांगे, लेकिन मैनूं लगदा अज सब तो वड्डा जिहड़ा पंजाब दा मुद्दा है जिथे हर व्यक्ति ये सोच रहा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी नूं वोट पाई सी, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि इस बारी असी आम आदमी पार्टी नूं सब सिखाउणा, उन्होंने पंजाब दा माड़ा हाल करता। सो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मुद्दा जिहड़ा है एक बेहद अहम है, हालांकि सवाल तो बहुत सारे सी, पर जिवें कि चोणां दा बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है तो लोगों के विचरण की कोशिश जरूर की जा रही है, तो कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग साडे नाल मौजूद सी, कहिंदे ने भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मुद्दे नूं लै के सानूं लगता है कि कांग्रेस जिहड़ी है इस बार फिर तो बाजी मारेगी। जलंधर तो कैमरामैन अंकित दे नाल ममता, स्काई न्यूज़ पंजाब।